दोस्तों मैं आ गया हूँ ब्लॉगर पर। मैंने लैपटॉप के अंदर अपनी जो है ब्लॉगर वेबसाइट या फिर ब्लॉगर को ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे अभी पोस्ट पे हूँ, यहाँ पे स्टेट्स पे आपको चल के दिखा देता हूँ क्या कुछ ट्रैफिक कैसा है मुझे आया है एंड कितना ट्रैफिक कितने टाइम में आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम का 1535 है, यहाँ कि मैं एक हफ्ते से इस ब्लॉग पोस्ट पे जो है ब्लॉगर पे एक्टिव हुआ हूँ इस वाली साइट पे। ये वेबसाइट है mknowledge.co.in, इसको आप गूगल में सर्च करके विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे मतलब आज का मेरा 15 व्यूज है एंड कल के देख सकते हैं 222 व्यू कल के हैं और उसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे। एंड मैं दिखाता हूँ आपको 24 आवर्स यानी 24 घंटे लास्ट मेरे 24 घंटे का कितना ट्रैफिक कहाँ कहाँ से कैसे आया है वो मैं सब कुछ आपके सामने दिखा देता हूं। यहां पे आ जाएंगे, यहां पे 24 घंटे को सिलेक्ट करता हूं मैं, 234 व्यू मेरे 24 घंटे के अंदर आए हैं, लास्ट 24 घंटे के अंदर 235 व्यू है। यहां पे देख सकते हैं टॉप रेफरल्स यानी कि मेरे गूगल से आए हैं, अदर से सोर्स से google.com अकाउंट से, और एक और यहां पे दिखा रहा है क्या है, किस लिंक से या किसी एप्लीकेशन के रेफरल से आए हैं। एंड यहां पे और देखें नीचे टॉप रेफरल मेरे अकाउंट google.com वाली सर्च से आए हैं मेरे ज्यादातर व्यू। एक मेरी पोस्ट है कलर प्रेडिक्शन गेम इज लीगल और नॉट, ये वाली वेबसाइट जो पोस्ट है इसने रैंक किया है एंड इसके सर्चिंग से भी आए हैं और 226 अदर से आए हैं। उसके अलावा टॉप जो ब्राउजर्स हैं वो यहां पे आपको दिखा रहा है किस सिस्टम से आए हैं, लैपटॉप से आए हैं, विंडो से आए हैं, मोबाइल से आए हैं, आईफोन से आए हैं। एंड उसके अलावा मैं यहां पे देश दिखाता हूं किस देश से कितना व्यू मुझे आए हैं। अब यहां पे देख सकते हैं जैसे कि 234 व्यू मेरे टोटल लास्ट 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर थे, उसके उसमें इंडिया से 116 हैं, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से 93 व्यू हैं, रशिया से भी आप देख सकते हैं, रशिया से आपको 5 व्यू देखेंगे, और भाई उसके अलावा भी आप देख सकते हैं बांग्लादेश है, इटली है, मोल्डावा है, जर्मनी, आयरलैंड और अदर, इतने अलग अलग देशों से मुझे किस तरीके से व्यू आए हैं एंड कितनी जल्दी आप पोस्ट को इंडेक्स करा सकते हैं वो पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें 100 व्यू मुझे आए हैं लास्ट जो मैंने पोस्ट डाली है कल। आज देख सकते हैं डेट यानी कि मैंने 24 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, शायद आपको 29 तारीख को वीडियो मिले। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट डाली थी, यहाँ पे मेरा वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे डाली थी मोनोपोली ज्वेलरी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन कलर प्रेडिक्शन गेम। एंड इसका जो है मतलब मैं इसकी जो लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ से गूगल सर्च के अंदर चलता हूँ, मतलब गूगल सर्च कंसोल के अंदर और URL इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, इसको मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे मतलब मेरे ओरिजिनल मेरी जो है पोस्ट है इंडेक्स है या वो नहीं है। लाइव आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं URL ऑन गूगल यहाँ पे दिखा रहा है यानी कि मेरी जो ये वाली पोस्ट है ये मेरी इंडेक्स हो चुकी है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, या फिर कुछ सर्च करेगा तो मेरी पोस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एंड आपको किस तरीके से वो पोस्ट जल्दी से जल्दी इंडेक्स करानी है अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है कि आज जैसे राइट की यानी कल मतलब 24 आवर्स में या फिर 4-5 घंटे में आपकी जो पोस्ट है सर्च के अंदर आने लग जाए, तो उसके लिए वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है दूसरी वाली वीडियो की, किस तरीके से आप अपनी पोस्ट को इंडेक्स करा सकते हैं उसको आप देख सकते हैं। वहां से जाके इजीली आप उसको देखने के बाद वहां से देखने के बाद उन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपनी पोस्ट को रैंक करा सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको मतलब वो लाना है ट्रैफिक लाना है। सबसे पहले आपको जो आपकी जो आपने पोस्ट की है उस पोस्ट को मतलब कि आपको उसकी लिंक कॉपी करनी है, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर नया ब्लॉग है उसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है तो उसको टाइम लगता है सर्च कंसोल के अंदर आने के लिए। गूगल के सिस्टम को पता होना चाहिए कि भाई हाँ कोई ऐसा बंदा है जो कंटिन्यू पोस्ट डाल रहा है एंड कम से कम आपकी 17-18 पोस्ट तब हो जाए, तो उसके बाद में आप ज़्यादातर मतलब पोस्ट को शेयर करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए और 2-4 मोबाइल फोन वगैरह से खुद से सर्च करिए। एंड उसके अलावा भी यहाँ पे और उसके अलावा जितना हो सके शेयर करिए, फिर जैसे होगा कि गूगल को पता चलेगा हाँ कोई पोस्ट है एंड इसमें व्यू आ रहे हैं और बंदे इसमें रुक रहे हैं टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ यूजफुल चीज़ है इसके अंदर, तो उस केस में क्या होता है कि गूगल आपकी पोस्ट को ज़्यादा रिकमेंड करता है पब्लिक को। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुछ मतलब शेयर वगैरह किए हैं, उसके अलावा फिर मुझे US से, रशिया से, इटली से एंड अलग अलग देशों से यहाँ पर ट्रैफिक मिला है। लाइव आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कभी आपको ऐसा लगे कि भाई ये मतलब फुटेज वगैरह है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, जस्ट मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देखें थोड़ा सा टाइम लग रहा है में। और अब यहां पे मैं आपको 24 घंटे की जगह सेलेक्ट करता हूं 7 दिन का ट्रैफिक है, 7 दिन में 500 देख सकते हैं 89 जो आए हैं मेरे और 4 कमेंट यहां पे आई हैं। एंड यहां पे देख सकते हैं टोटल व्यू अब कितने थे वो दिखा देता हूं दोबारा से मैं किस किस देश से कितने। अब यहां पे देख सकते हैं 234 व्यू मेरे 234 है जो वो यूनाइटेड स्टेट से आए हैं एंड US से मतलब देख सकते हैं और इंडिया से आप देख सकते हैं 330 व्यू है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी खासी मतलब यहां से व्यू गेन कर सकते हैं। और ट्रेंडिंग टॉपिक लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको देख लेना है गूगल ट्रेंड में जाके अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उसको ट्रेंड में वहां से जाके सर्च कर लेंगे, देखेंगे कि जैसे अब मैं एक वर्ड टाइप करता हूं यहां पे वर्क फ्रॉम होम मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं वर्क फ्रॉम होम करेंगे एंड यहां पे
एक सेकेंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम ये वाला कीवर्ड है जो सर्च कर लेता हूँ। अब मैं इसको सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद में मुझे दिखा देगा कितने पोस्ट पे क्या कहाँ कहाँ से कितना ट्रैफिक है वो सब यहाँ पे दिखा देगा। एंड यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए अभी पब्लिक सर्च कर रही है नटराज पेंसिल वर्किंग नटराज पेंसिल कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो इस वाला जो मतलब है ये एक वाला कीवर्ड इसको लेंगे, यहाँ से लेंगे। अब मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊँ, इस यहाँ से कॉपी करने के बाद में यहाँ पे एक वेबसाइट है कीवर्ड intent.io, इस वाले वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको फ्री कीवर्ड रिसर्चर या फिर फ्री कीवर्ड SEO आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इस वाले को, और यहाँ पे आप स्पेसिफिक कोई भी जैसे देश के लिए आपको कोई टॉपिक के बारे में नॉलेज लेनी है, US में क्या ट्रेंड कर रहा है या फिर इंडिया में, तो यहाँ से देश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा मैं यहाँ पे सीधा सबमिट पे करूँगा, सबमिट पे करने के बाद मुझे दिखा देगा कि कहाँ से कितना ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड पे। इस वाले कीवर्ड पे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप सभी के सामने, और इसको सबमिट करेंगे फिर से, देखते हैं किस पे कितना सर्च है, कितना क्या कंपटीशन है। आप कंपटीशन देख सकते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग पे लगभग 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे लगभग 15 लाख के आसपास सर्च हैं, और यहाँ पे आप इसकी पेड डिफिकल्टी है जो CPC रेट है मीडियम है, और अब यहाँ पे देखें किस कीवर्ड पे यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं, फ्री है बिल्कुल, सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है किस कीवर्ड पे कितनी सर्च वॉल्यूम जा रही है एंड कितना कंपटीशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको जो कंपटीशन जिस पे लो हो उसको आपको लो वाले मतलब कीवर्ड को आपको यहां से पिकअप करना है और उसके बारे में और रिसर्च करनी है गूगल पे जाके उसी कीवर्ड को पेस्ट करके, एंड उस वाले कीवर्ड पे आपको एक बढ़िया सी पोस्ट राइट करनी है। उसके लिए आप वॉइस टाइपिंग यूज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट आप ना करें। अगर आपका ब्लॉग मतलब अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो तब तक आप कॉपी पेस्ट यूज ना करें, आप उस कीवर्ड को सर्च करें, उसके बारे में 2-4 मतलब टॉपिक्स तैयार करें एंड उसको राइट करें और SEO करें। SEO करने के लिए आप मतलब क्या कर सकते हैं, SEO के लिए आप जैसे यहां पे करेंगे ऑनलाइन अर्निंग, मैं सर्च करके आपको दिखाई देता हूँ साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग, यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने। अब यहाँ पे काफ़ी साइट्स आ गए, यहाँ पे अब आ जाता है पीपल आल्सो आस्क कि और पब्लिक मतलब इससे रिलेटेड क्या सर्च करना चाह रही है, हाउ कैन आई मेक रियल मनी ऑनलाइन, हाउ कैन अर्न 1000 डे ऑनलाइन, विच ऑनलाइन अर्निंग बेस्ट साइट वगैरह, इन चीज़ों इन वाले कीवर्ड्स को आप अपने ब्लॉग के सर्च डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हो, जिससे चांसेस रहेंगे कि आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी सर्च में आने लगेगी। एंड सर्च कंसोल में अपनी पोस्ट को इंडेक्स कराने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, नीचे लिंक है वहां से जाकर देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है एंड और कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, न्यू चैनल है आपके लिए, बेस्ट वीडियो यहां पे मिलती रहेंगी।